जूल और कैलोरीज दोनों ही रिलेटेड होती हैं। वन कैलोरी एक्चुअली इज इक्वल टू 4.1 जूल अप्रॉक्सीमेटली। किसी भी बॉडी को, किसी भी ऑब्जेक्ट को रन करने के लिए हमें हीट की या एनर्जी की जरूरत पड़ती है। हीट भी एक तरह की एनर्जी है। एनर्जी को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ओनली इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। जैसा कि हम अभी देख रहे हैं यहाँ पर कि हम एनर्जी को, हम हीट को प्रोड्यूस कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, केवल चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए हमने कोल को बर्न किया, तो कोल के अंदर जो केमिकल एनर्जी है, जब हम कोल को बर्न करेंगे तो हीट प्रोड्यूस होगी। हीट प्रोड्यूस होगी, उस हीट से हम इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। आपने देखे होंगे थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं, उनके अंदर हम कोल को बर्न करके हीट प्रोड्यूस करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करते हैं। तो हमने क्या किया यहाँ पर, हमने एनर्जी को प्रोड्यूस नहीं किया, ओनली वी कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इंटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। हमने कोल को बर्न किया तो कोल के अंदर जो केमिकल एनर्जी है वो हीट एनर्जी में चेंज हुई, हीट एनर्जी से हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाई। हम अपने हैंड्स को रब करते हैं, हैंड्स को जब हम रब करते हैं तो आप देख सकते हैं कि हमारे हैंड्स में हीट प्रोड्यूस हो जाती है। अगर हम इसे टच करें अपने चीक पर तो हमें फील होता है कि हमारे हैंड्स गर्म हो गए। क्या था ये? ये हमारी मस्क्यूलर एनर्जी थी। हमने रब किया, हीट एनर्जी में चेंज हुई और हमने फील किया। इसी तरह से हम एनर्जी की फॉर्म को चेंज कर सकते हैं। हम लोग कार चलाते हैं, हम लोग स्कूटर चलाते हैं, आपको पता है उसके अंदर एक फ्यूल डाला जाता है, पेट्रोल डाला जाता है, डीजल डाला जाता है। पेट्रोल और डीजल के अंदर केमिकल एनर्जी है। जब हम उसे हीट करते हैं, गर्म करते हैं, बर्न करते हैं, तो वो एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में चेंज हो जाती है और वो उसके इंजन को रन करने लगती है। बिल्कुल इसी तरह से हम फूड खाते हैं। फूड क्या है? फूड भी हमारी बॉडी को एनर्जी देता है। जब हम फूड खाते हैं तो फूड के अंदर कौन सी एनर्जी है आप सब जानते हैं। फूड कैसे बनता है? सनलाइट से बनता है। सनलाइट से प्लांट्स फूड बना रहे हैं तो उनके अंदर सोलर एनर्जी है। वो सोलर एनर्जी जब हमारी बॉडी के अंदर पहुँचती है और जब यहाँ से हीट लिबरेट होती है तो हम अपनी बॉडी से काम कर पाते हैं। अगर हम फूड नहीं खाएंगे तो हम काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें जितनी भी एनर्जी मिलती है वो अपने फूड से मिलती है।